हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? दिस इज दृष्टि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के पाइथागोरस थ्योरम का लेक्चर नंबर 5, जो कि है लास्ट लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सेट के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो लेट अस स्टार्ट देन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में क्या दिया है? Pranali and Prasad started walking from a same point at the same speed in east and north direction respectively. 2 hours later, distance between both is 15.2 kilometers. Tumko bola hai find their speed. So there was one girl Pranali, dusra tha Prasad. Wo dono ne same point se chalna start kiya. And the same point here is this blue color ka starting point. Pranali started moving in east direction and Prasad started moving in north direction. ओके, फिर बोला है 2 hours later, 2 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 15.2 किलोमीटर्स। तुमको बोला है फाइंड देयर स्पीड। देखते हैं 2 घंटे में क्या हुआ। 2 घंटे में ये दोनों लोग अलग अलग डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गए। 2 घंटे बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 15.2 किलोमीटर्स। तुमको बोला है इनका स्पीड फाइंड करो। ओके, नाउ हाउ वी विल स्टार्ट इज सी, वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहां से वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में गए। वो दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा था दैट इज 90 डिग्री। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर किया व्हिच इज फॉर्मड लाइक दिस, इट इज आल्सो गोइंग टू बी अ राइट एंगल द ट्रायंगल। लेट अस नेम इट एज ट्रायंगल एबीसी। अब स्टार्ट कैसे करना है, पहले तो एक रफ डायग्राम तुम ड्रॉ करोगे, उसके बाद सोल्यूशन में लिखोगे। लेट बी बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ जर्नी, ये जो पॉइंट बी है वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ। BA is the distance traveled by the boy Prasad in north direction. BC जो है is the distance traveled by Pranali in east direction. उन दोनों के बीच का distance is AC, तो let us write AC is the distance between Pranali and Prasad after 2 hours. अब ना ध्यान से देखो, उन्होंने बोला है find their speed and they have given that दोनों का speed है same. अगर दोनों का speed same है, let us consider Pranali and Prasad दोनों का speed is x किलोमीटर पर आवर। ये फाइंड करने के लिए मुझे तो एक फॉर्मूला चाहिए। कौन सा फॉर्मूला चाहिए? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मुझे पता है x, टाइम भी पता है मुझे 2 hours, सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच ऑफ देम विल बी 2 इनटू x दैट इज 2x किलोमीटर्स। तो BC भी 2x हो गया, AB भी 2x किलोमीटर्स हो गया। नाउ कैन यू सी, ये हमारा जो ट्रायंगल बना है इसके दो perpendicular sides का measurement पता है, मुझे hypotenuse का भी measurement पता है। So if I solve Pythagoras theorem in this triangle, मैं x का value find कर सकती हूँ। So let us start. We will write in triangle ABC, angle ABC is 90 degrees. Now we are going to use Pythagoras theorem in this triangle. So we will get AC जो hypotenuse है उसका square is equal to sum of squares of the other two sides. So we will write AB square plus BC square is equal to AC square because we have used a Pythagoras theorem. अब AB का measurement तुमको पता है, it is 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x the whole square plus BC का भी measurement is 2x, so it will be 2x the whole square is equal to AC जो है वो कितना है 15√2, so we will write 15√2 the whole square. Now एक चीज याद रखना, bracket के बाहर square है तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स का स्क्वायर कंसीडर करना है। सो 2x द होल स्क्वायर विल बी 2 का स्क्वायर इज 4, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, सो वी विल गेट 4x स्क्वायर प्लस यहां पे भी मिलेगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 15√2 स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर इनटू √2 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इज 225, √2 का स्क्वायर इज 2 एंड 225 इनटू 2 विल बी द आंसर हियर। अब लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर है, बोथ आर लाइक टर्म्स, तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर विल बिकम 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 225 इनटू 2 इज 450। मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x, तो 8 को इक्वल टू के वो साइड शिफ्ट कर दूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के वो साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई विल गेट x स्क्वायर इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय 8। अब क्या होगा, 450 एंड 8 दोनों 2 के टेबल में साथ में जाता है, 2 4s are 2, 225s are, therefore x square is equal to 225 upon 4,
अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो आई विल टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स, आई विल गेट x इज इक्वल टू 225. कौन से नंबर का स्क्वायर है? इट इज स्क्वायर ऑफ 15, मतलब 15 इंटू 15 गिव्स मी 225, तो 225 का स्क्वायर रूट विल बी 15 अपॉन 4. किसका स्क्वायर है? 2 का. 2 इंटू 2 गिव्स मी 4, तो मुझे आंसर मिला 15 अपॉन 2. डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो तुमको मिलेगा 7.5. लेट अस कंक्लूड देन, देयरफॉर स्पीड ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद 7.5 किलोमीटर पर आवर. ये एग्जाम में आता है फॉर 3 मार्क्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 11. क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इज 90 डिग्रीज. Seg BL and Seg CM are the medians of triangle ABC. Medians मतलब वो जिस साइड पे गिर रहे हैं वो साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे BL किसके ऊपर है? AC के ऊपर. So AC is divided into two parts due to this median, that is CL and LA, and those two parts are equal. वैसे CM is on side AB, so side AB is divided into two equal parts BM and MA due to this median. Prove that 4 into BL square plus CM square is equal to 5 times BC square. अब तो ना पहले तुमको चाहिए है BL square. BL square find करने के लिए going to consider this triangle, उसके अंदर का एक angle 90 degrees है. तो you can easily use your Pythagoras theorem. The first we are going to use Pythagoras theorem in triangle BAL. Angle BL is 90 degree. So, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमको मिलेगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, दैट इज बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के दो साइड्स का स्क्वायर का एडिशन, तो बी ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर. मार्क दिस इज इक्वेशन 1 बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट लेटर. अब यहाँ पे और क्या चाहिए? तुमको चाहिए सी एम स्क्वायर. अब सी एम स्क्वायर के लिए तुमको ट्रायंगल कंसिडर करना पड़ेगा. इसके अंदर का भी एक एंगल 90 डिग्री है, सो वी कैन यूज अ पाइथागोरस थ्योरम. सो वी विल राइट in triangle CAM, angle CAM is 90 degrees, तो hypotenuse कौन सा है? CM है. तो CM square is equal to CA square plus AM square, and mark this as equation 2. अब ना ध्यान से देखो proof क्या करना है. यहाँ पे you have to add those two things, मतलब equation 1 और 2 को add करना पड़ेगा. तो now we will add equation 1 and 2. So by adding those, we are going to get BL square plus CM square is equal to equation 1 का right hand side and equation 2 का right hand side भी add करो तो तुमको मिलेगा AB square plus AL square plus AC square plus AM square. Okay, इतना करने के बाद now you have to think ये जो BC square है कहाँ से मिलेगा. उसके लिए मुझे consider करना होगा बड़ा वाला triangle, क्योंकि उसका hypotenuse BC रहेगा. If I apply Pythagoras theorem in this big triangle, I am going to get BC square is equal to AC square plus AB square. ये मुझे दिमाग में फिट करना है. अब कैन यू सी यहाँ पे राइट साइड में यू आर हैविंग AB square एंड AC square, दोनों एडिशन में है. तो इन दोनों के जगह पे तुम लिख सकते हो BC square. सो वी विल राइट BL square plus CM square is equal to AB square plus AL square plus AC square plus AM square. इसमें तुमको AB square और AC square साथ में चाहिए, तो हम AL square और AC square का जगह इंटरचेंज कर देंगे. So I'll mark this as equation 3. In triangle BAC, angle BAC is 90 degree. Therefore, by using Pythagoras theorem, तुमको मिलेगा कि BC square is equal to AB square plus AC square. We'll mark this as equation number 4. Now compare equation 3 and 4. तो तुमको क्या मिलेगा? You will get that BL square plus CM square is equal to AB square plus AC square के जगह पे you're going to write BC square plus बाकी का तो as it is रहेगा, so plus AL square plus AM square. We got this from equation 3 and 4. अब देखो क्या करना है. तुमको AL square और AM square नहीं चाहिए, तुमको उसके जगह पे भी BC square के terms में कुछ चाहिए. उसके लिए क्या कर सकते हो? पहली बात तो AL जो है, ये दिख रहा है AL, this is half of AC, क्योंकि L is the midpoint. So, तुम AL square के जगह लिख सकते हो 1 upon 2 into AC the whole square plus AM जो है, it is going to be half of AB, क्योंकि M is the midpoint of AB, so you will write it is half of AB the whole square आएगा, क्योंकि AM square है इसीलिए. Now, when you solve this, तुमको मिलेगा AC square upon 2 का भी square लेना है, 2 का square is 4, so you'll get upon 4 plus AB square upon 4.
क्योंकि यहां पे तुमने ab का स्क्वायर कंसीडर किया, 1 का स्क्वायर 1 है, इनटू किया तो ab स्क्वायर ही मिलेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का स्क्वायर इज 4, तो मैंने यहां पे लिखा 4। अब मुझे कहीं पे भी डिनोमिनेटर में 4 नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू प्रूव, तो मैं क्या करूंगी, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो आई विल राइट मल्टीप्लाइंग 4 थ्रू आउट, वी आर गोइंग टू गेट 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इज इक्वल टू 4bc स्क्वायर प्लस, अब यहां पे अगर 4 से मल्टीप्लाई किया 4 * ac स्क्वायर अपॉन 4, 4 4 कट हो जाएगा तो तुमको सिर्फ ac स्क्वायर मिलेगा, प्लस यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कट हो जाएगा तुमको सिर्फ ab स्क्वायर मिलेगा। नाउ इसके जगह पे यू कैन राइट bc स्क्वायर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 4, सो वी आर गोइंग टू राइट दैट 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इज इक्वल टू 4bc स्क्वायर प्लस, इसके जगह पे लिख दो bc स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास 4bc स्क्वायर है प्लस bc स्क्वायर है, तो 4bc स्क्वायर प्लस 1bc स्क्वायर बिलीव 5bc स्क्वायर, एंड लेफ्ट हैंड साइड में तुमको 4 कॉमन निकालना है क्योंकि यहां पे भी कॉमन निकाला हुआ है, सो इफ यू टेक 4 कॉमन फ्रॉम दिस तो ब्रैकेट में बचेगा bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, so we will write 4 into bracket bl square plus cm square is equal to like terms hai to add karke tumko mil raha 5bc square and yahi to tumko prove karne bola tha, so you got your 4 marks from this. Let us move to the question number 13 of problem set. Question mein kya diya hai, question mein diya hai in triangle abc seg ad is perpendicular to side bc, db jo hai ye jo db hai it is 3 times the measurement of cd, तुमको प्रूफ करना है 2 टाइम्स ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है, db इज 3 टाइम्स ad, तो पहले वो लिखते हैं सॉल्यूशन में, विल मार्क दिस एज इक्वेशन 1 क्योंकि बाद में हम बहुत बार यूज करने वाले हैं। अब क्या प्रूफ करने बोला है, तुमको बोला है यू हैव टू प्रूफ 2 टाइम्स ab स्क्वायर। अब मुझे अगर ab स्क्वायर चाहिए तो मुझे कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा, स्क्वायर के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो मेरे पास है ADB as my right angle triangle, so in triangle ADB, angle ADB is 90 degree, therefore I'm going to use Pythagoras theorem. Now यहाँ पे 90 degree का opposite side is AB, so AB square is equal to AD square plus बचा कौन सा DB तो उसका square. अब ना ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 से तुमको BD का वैल्यू पता है, इट इज 3 टाइम्स CD, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, तो देखते हैं क्या मिलता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स CD द होल स्क्वायर, क्योंकि BD के जगह पे हमने सिर्फ 3 CD लिखा, BD का स्क्वायर है तो हमने भी ले लिया स्क्वायर, वी गॉट दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो नाउ वी हैव AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3 CD का द होल स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर 9 and cd ka square will be cd square, so we will get 9 cd square as the answer here. We are going to mark this as equation number 2. Ab dekho yahan pe 2 times ab square hai is equal to 2 times ac square, 2 times ac square chahiye to mujhe ad square ke jagah pe ac square lana hoga. Ab mujhe batao ac and ad kaun se triangle ka part hai, right angle triangle ka, ye wala triangle, triangle adc, to isme bhi pythagoras theorem apply karke humko square milega, so we will write in triangle ADC, angle ADC is 90 degree given. अब यहाँ पे ये 90 degree है angle D, तो इसका opposite side is AC, तो AC का square is going to be AD square plus DC square. We have used Pythagoras theorem. अब मुझे AD square के जगह पे कुछ substitute करना है, तो what I'll do? AD square को उसी जगह पे रखूँगी plus CD square जो है, उसको equal to के वो side shift कर दूँगी, so I will get AD square is equal to AC square minus CD square. Mark this as equation number 3. अब क्या करोगे? 3 को substitute करोगे 2 में, तो let us see what we are getting. We will get AD square is equal to AD square के जगह पे तुम लिखोगे AC square minus CD square plus 9 CD square, तो as it is रहेगा. We got this from equation 2 and 3. Now we are having some like terms in the right hand side, so we will solve those further. So we will get AB square is equal to AC square minus 1 plus 9. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है. So minus 1 plus 9 will be plus 8. So we are getting here plus 8 CD square. अब आगे क्या करना है, हमारे पास इतना already है. Now यहाँ पे when you observe AB square के यहाँ पे 2 है, AC square के यहाँ पे भी 2 है. तो हम क्या करेंगे, पूरी equation को पहले 2 से multiply कर देते हैं. So multiplying throughout by 2.
we are going to get 2 times ab square is equal to 2 times ac square plus 2 times 8cd square. The 2 8s are 16, so it will be 16cd square. Ab proof kya karna hai na, dhyan se dekho. AB square 2 times, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 times AB square है, तो left hand side हमने prove किया है, right hand side में भी 2 AC square है, यहाँ पे भी 2 AC square है, done, done, सिर्फ तुमको क्या prove करना है, कि ये जो BC square है, it is equal to 16 times CD square, okay, now how to prove this, now this BC is equal to BD plus CD, why, because B dash D dash C, or C dash D dash B, BC तो as it is रहेगा, BD के जगह पे तुम्हारे पास है 3 times CD, तो let us substitute, so we will get BC is equal to 3 times CD plus CD, किधर से मिला from equation number 1. Now, we will get BC is equal to, right hand side में दो like terms है, तो we are going to add 3CD plus 1CD will be equal to 4 times CD. Now, तुमको square चाहिए, BC का square चाहिए, तो we will square both the sides, so we will get BC square is equal to 4CD the whole square. मतलब 4 का square and CD का square consider करना है. 4 square is 16. 16 into CD square will be the answer. Hence, तुमने ये भी prove किया. Mark this as equation number 5. यहाँ पर reason लिख दो, that is you have squared throughout. Now look at equation number 4 and 5. तुम 16CD square के जगह पे लिख सकते हो BC square. So we will finally write that 2AB square is equal to 2AC square plus BC square. And यही proof करने बोला था, ये exam में आता है for 3 marks. Let us start with the next question, that is problem set का question number 15. क्या दिया है question में? Question में दिया है, in trapezium ABCD, sec AB is parallel to sec CD, sec BD is perpendicular to sec AD, sec AC is perpendicular to sec BC, AD का measurement 15 है, BC का measurement 15 है, AB का measurement 25 है. तुमको बोला है, find area of this quadrilateral ABCD. And एक राज की बात बताती हूँ, that area of a trapezium is equal to half into sum of parallel sides into height. यहाँ पे parallel sides है AB and CD. Now, height की जब बात करोगे, height तो है नहीं, तो पहले let us draw two perpendicular segments from D and C, तो ये हो जाएंगे heights. Now, हमने क्या construction किया वो mention करना है, तो we have drawn seg DN perpendicular to side AB such that A dash, N dash, M dash, B. चारों point same segment पे lie करते हैं. And we also have drawn seg CN which is perpendicular to side AB and A dash, N dash, M dash, B. ठीक है. अब area of quadrilateral ABCD, जो trapezium है, it is equal to half into sum of parallel sides. यहाँ पे parallel sides है CD and AB, तो it will be half into AB plus CD into height के लिए तुम कोई भी एक height consider कर सकते हो, या तो CN या तो DN consider कर सकते हो. तो I'll consider CN. So ये हमारा formula हो गया, जिसके अंदर का AB का value तुमको 25 दिया है. CD का वैल्यू नहीं पता एंड CM का नहीं पता. तो फर्स्ट स्टेप यू आर गोइंग टू डू इज फाइंड द वैल्यू ऑफ CD एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ CM. एक बार वो मिल गए तो फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट करके एरिया फाइंड कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट देन. CM का एरिया फाइंड करने के लिए वी नीड टू कंसीडर दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल ACB. अ CM एक हाइट है एंड ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. तो यहाँ पे हाइट तुमको नहीं मालूम, बेस पता है 25, बट एरिया भी नहीं मालूम. दो क्वांटिटीज मिसिंग हो जाती है. अगर दो क्वांटिटीज मिसिंग है तो ये फॉर्मूला तुम स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते हो. पहले तुम एरिया फाइंड करो, देन तुम ये यूज कर सकते हो. तो यहाँ पे इफ यू सी, और एक हमारे पास हाइट दी हुई है, दैट इज एसी. ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया है, तो एसी इज ऑल्सो द हाइट फॉर बेस बीसी. तो अगर मैंने एसी का वैल्यू फाइंड किया विच इज acting as height, तो then मैं ये height use करके area find कर सकती हूँ ये triangle का, वो area use करके मैं CM का value find कर सकती हूँ. So our first step is to find the value of AC. उसके लिए हम क्या करेंगे, ये एक right angle to triangle दिख रहा है, वो use करेंगे. तो in triangle ABC, angle ACB is 90 degrees given to us. Therefore, we can use a Pythagoras theorem.
90 degrees का opposite side is AB. तो AB square will be equal to AC square plus CB square because we have used Pythagoras theorem. अब AC square नहीं पता तो उसको as it is रखते हैं plus BC square. BC square का value क्या रहेगा? 15 square. तो we will write plus 15 square is equal to AB का value है 25. That will be 25 square. So we will get AC square plus 15 square क्या है? 225. 25 square is 625. तो ये plus 15 square जो है 225. When it will go to the other side, वो subtract हो जाएगा. So basically, I'll have AC square is equal to 625 minus 225. So AC square is equal to 400. So AC will be square root of 400, which is equal to 20 units. मतलब 400 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 20 का. 20 into 20 gives you 400. अगर नहीं पता है तो फैक्टराइजेशन का मेथड मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया है, वैसे यूज करके तुम फाइंड कर सकते हो. अब तुमको AC का वैल्यू मिल गया 20 यूनिट्स. AC एक हाइट है फॉर बेस BC. हाइट भी पता है, बेस भी पता है, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. सो हाफ इनटू AC इनटू CB which is equal to half into AC ka measurement 20 hai, to let us substitute 20, into BC ka measurement is 15, to let us substitute 15. 2 1s are, 2 10s are, to tumko area of triangle ABC kitna milega? 10 15s are 150 square units. Ab tumko wo triangle ka area mil gaya. Area pata hai, agar tumko CM find karna hai, to uske respect mein base AB consider karna padega. So we will again write that area of triangle ABC is equal to half into base, अभी हम AB consider करेंगे, and उसके respect में height कौन सा है? CM. So we are going to consider CM here. अब area मुझे पता है, it's 150, so I will write 150 is equal to half into AB का measurement है 25, so half into 25 into CM. Therefore, CM का value चाहिए, half को equal to के वो side भेजो, 25 को भी equal to के वो side भेजो. अब 25 न्यूमरेटर में है, इक्वल टू के वो साइड जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 1 अपॉन 2 वो साइड जाके उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, दैट विल बी 2 अपॉन 1. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू गेट 150 इनटू 2 अपॉन 25 इज इक्वल टू CM. नाउ 25 एंड 150 गो इन सेम टेबल, सो वी विल राइट 25 1s आर 25 6s आर 150. सो मुझे CM का वैल्यू मिला 12 यूनिट्स. ना सब करके फाइनली CM का वैल्यू तुमको मिल गया, दैट इज CM इज 12 यूनिट्स. एक पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट में तुमको फाइंड करना है CD का वैल्यू. CD के लिए क्या करोगे? CD के लिए ना तुम ये एक क्वाड्रिलैटरल कंसीडर करो. इसमें क्या दिया है? सेग AB इज पैरेलल टू साइड CD. तो अगर CD और AB पैरेलल है तो ऑब्वियसली CD और ये जो छोटा सा NM दिख रहा है वो भी पैरेलल रहेगा. सो वी विल फर्स्ट राइट सेग AB इज पैरेलल टू सेग CD, इट इज गिवन टू अस. देयरफॉर सेग NM इज आल्सो पैरेलल टू सेग CD बिकॉज़ A डैश N डैश M डैश B सेम लाइन पे सब पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. ये चीज मिल गया. और एक बात, ये जो दो हाइट्स है ND एंड CM, ये दोनों सेम साइड्स के ऊपर तुमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, तो ये दोनों भी पैरेलल रहेंगे. सो वी विल राइट सेग ND इज पैरेलल टू सेग CM बिकॉज़ दीस आर परपेंडिकुलर्स ड्रॉन ऑन द सेम लाइन एंड हेंस दे आर पैरेलल. अब ऑपोजिट साइड्स मुझे पैरेलल मिल रहे हैं. इफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम. सो वी विल राइट देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल CM ND इज अ पैरेललोग्राम. अगर ये पैरेललोग्राम है तो we can say that CM ka measurement is equal to ND ka measurement, which is equal to, abhi humne find kiya that CM ka measurement is 12. So CM is equal to DN is equal to 12 mil gaya. Also CD is equal to MN bhi bol sakti ho, because these are opposite sides of a parallelogram and they are congruent. Isko mark kar dete equation number 1. So, agar maine kaise to karke ye MN ka value find kiya, तो सी डी का भी वैल्यू वही है. अब एम एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए इफ आई समहाउ फाइंड एम बी एंड इफ आई समहाउ फाइंड ए एन, टोटल लेंथ पता है
दो टुकड़ों का भी लेंथ पता चल गया तो जो बचा हुआ टुकड़ा है उसका भी मुझे पता चल जाएगा लेंथ. सो माय फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस बी एम. सो उसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करूंगी. सो आई विल राइट इन ट्रायंगल सी एम बी एंगल बी एम सी इज 90 degrees क्योंकि ये हाइट है. देयरफॉर वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम जिसकी वजह से हमको मिलेगा कि सी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एम स्क्वेयर प्लस एम बी स्क्वेयर बिकॉज वी हैव यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम. नाउ बी सी का वैल्यू पता है 15 तो लिख दो 15 स्क्वेयर इज इक्वल टू सी एम इज 12 सो 12 स्क्वेयर प्लस बी एम स्क्वेयर. 15 स्क्वेयर मतलब 15 इंटू 15 दैट इज 225. 12 स्क्वेयर मतलब 12 12 आर 144. 144 इक्वल टू के वो सेट जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 144 इज इक्वल टू मुझे मिला बी एम स्क्वेयर. सो बी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू तुमको मिलेगा सब्ट्रैक्ट करके 81. बी एम चाहिए तो ले लेंगे स्क्वेयर रूट्स तो बी एम इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 81. मतलब 81 कौन से नंबर का स्क्वेयर है 9 का. सो मुझे बी एम का वैल्यू मिला 9 यूनिट्स. बी एम जैसे फाइंड किया वैसे तुम सिमिलरली ए एन फाइंड कर सकते हो. सिंस यहाँ पे हाइपोटेन्यूस का वैल्यू 15 है ये जो हाइट्स है वो दोनों भी इक्वल मेजरमेंट्स के हैं तो तुमको ए एन का भी वैल्यू 9 यूनिट्स मिलेगा. तो तुमको उतना सब लिखने की जरूरत नहीं है. तुम सिर्फ लिखोगे सिमिलरली वी कैन फाइंड दैट ए एन इज ऑल्सो 9 यूनिट्स. ए एन फाइंड किया बी एम फाइंड किया अब तुम एम एन भी इजिली फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस राइट दैट ए बी जो है बड़ा वाला साइड इट इज इक्वल टू फर्स्ट टुकड़ा ए एन प्लस एन एम प्लस एम बी बिकॉज ए डैश एन डैश एम डैश बी. नाउ ए बी का वैल्यू पता है 25 सो 25 इज इक्वल टू ए एन इज 9 प्लस एम एन नहीं पता प्लस बी एम इज ऑल्सो 9. सो वी विल गेट 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज 18 सो 18 प्लस एम एन प्लस 18 इक्वल टू के वो सट जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो मुझे एम एन का वैल्यू मिलेगा 25 माइनस 18 सो एम एन इज इक्वल टू 7 यूनिट्स. फाइनली मैंने एम एन का वैल्यू फाइंड किया है एंड एम एन इज इक्वल टू सी डी सो सी डी भी है 7 यूनिट्स. सो सेकेंड चीज जो हमको चाहिए थी वो भी हमने फाइंड कर ली. अब डायरेक्टली वो जो फॉर्मूला था उसमें सब्सटीट्यूट करके एरिया फाइंड कर लेंगे. So we will write area of quadrilateral ABCD is equal to half into AB plus CD into CM tha, which is equal to half into AB is 25 and CD is 7, the 25 plus 7 into height tha 12. So we'll substitute 12. Now what will happen? 2 1s are 2 6s are cancel out ho jayega and you will have 25 plus 7 which is equal to 32 into 6 which is equal to 192 square units. So finally, tumne jo trapezium tha, uska area find kar liya, that is equal to 192 square units. Ye exam mein 5 marks ke liye aata hai. I know kaafi lengthy hai, but easy bhi hai. Pehle to tumko trapezium ka area find karne ke liye uska formula pata hona chahiye. Wo formula mein kya kya missing hai, wo pehle tumko find karna hai. Wo find karne ke liye kuch basic si cheeze hai triangle ke baare mein. पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने वो दो चीज फाइंड किया हाइट एंड सीडी का मेजरमेंट देन उसको सब्स्टिट्यूट किया हमको आंसर मिल गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. आई विल सजेस्ट कि ये जो है ना वापस एक बार रिवाइंड करके देखो सो दैट इधर फिट हो जाएगा. एंड ज्योमेट्री कभी भी ना प्रैक्टिस करो लिख लिख के प्रैक्टिस करो. सिर्फ एक दो बार देखोगे तो यू वोंट बी कॉन्फिडेंट. इसमें ज्यादातर टू प्रूफ वाले सम्स रहते हैं सो उसमें तुमको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है. लेट अस स्टार्ट विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे दैट इज प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 16. देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है. दे हैव गिवन द ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. पॉइंट S इज ऑन साइड QR सच दैट QS इज इक्वल टू 1/3 QR. प्रूव दैट 9 टाइम्स PS स्क्वायर इज 7 टाइम्स PQ स्क्वायर. अब ये प्रूफ कैसे करेंगे हाउ विल वी प्रोसीड. इसके लिए पहले तो देखो गिवन में क्या क्या दिया है. फर्स्ट थिंग गिवन में दिया है कि ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो वी विल फर्स्ट राइट दैट. उससे हमको क्या पता चलेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके सब साइड्स जो है वो रहेंगे इक्वल मेजरमेंट के. सो वी विल राइट दैट PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. वी विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब ध्यान से देखो टू प्रूफ में क्या बोला है तुमको. तुमको प्रूफ करना है PS स्क्वेयर 9 टाइम्स इज इक्वल टू 7 टाइम्स PQ स्क्वेयर.
अब अगर मुझे पी एस स्क्वेयर चाहिए तो मुझे कोई तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. सो आई हैव टू कंसिडर द स्लिम ट्रिम सा ट्रायंगल. ओके सो आई विल राइट इन ट्रायंगल पीटीएस. एंगल पीटीएस इज 90 डिग्री. इट इज गिवन टू अस. देयरफॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. उससे हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है दैट इज पी एस. तो पी एस स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चे कौन से दो साइड, पी टी तो उसका स्क्वेयर प्लस एस टी तो उसका स्क्वेयर लेंगे. वी हैव यूज्ड योर पाइथागोरस थ्योरम एंड विल मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब ध्यान से देखो, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में तो पी एस स्क्वेयर ला दिया, तो मुझे राइट हैंड साइड में यहाँ पे पी क्यू स्क्वेयर चाहिए, बट मेरे पास इक्वेशन 2 में है पी टी स्क्वेयर. तो व्हाट आई विल डू नाउ, आई एम गोइंग टू फाइंड सम रिलेशनशिप बिटवीन दिस पी क्यू स्क्वेयर एंड पी टी स्क्वेयर. ऑल्सो आई हैव टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन पी क्यू स्क्वेयर एंड एस टी स्क्वेयर, सो दैट मैं पी टी स्क्वेयर के जगह पे कुछ पी क्यू स्क्वेयर के टर्म्स में लिख सकूं एंड एस टी स्क्वेयर के जगह पे भी कुछ पी क्यू स्क्वेयर के टर्म्स में लिख सकूं. सो फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन पी टी एंड पी क्यू. सेकेंड स्टेप पे तुम फाइंड करोगे रिलेशनशिप बिटवीन एस टी एंड पी क्यू. तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. इसके लिए कंसिडर करो ये ट्रायंगल, ट्रायंगल पी टी क्यू, क्योंकि उसमें पी टी एंड पी क्यू दोनों लाए कर रहा है, इसलिए मैंने ये ट्रायंगल कंसिडर किया. अब मुझे रिलेशनशिप फाइंड करना है, उसके लिए व्हाट डू आई हैव मेनी थियोरम्स विथ मी. उसमें से कौन सा थियोरम एप्लीकेबल है वो देखते हैं. यहाँ पे एक एंगल ऑलरेडी मेरे पास 90 डिग्री है, सो आई विल फर्स्ट राइट इन ट्रायंगल पी टी क्यू. एंगल पी टी क्यू इज 90 डिग्री बिकॉज हमने वैसा कंस्ट्रक्ट किया, या तो यू कैन राइट गिवन ऑल्सो. अब ये जो एंगल क्यू है ये 60 डिग्रीज का रहेगा, क्योंकि दिस इज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो तुम लिखोगे एंगल क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्रीज बिकॉज दिस इज एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है एंगल क्यू पी टी वो 30 डिग्रीज का रहेगा बिकॉज इट इज रिमेनिंग एंगल. सो वी विल राइट देयरफॉर एंगल क्यू पी टी इज 30 डिग्रीज बिकॉज इट इज रिमेनिंग एंगल. तो अब ये जो मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी टी क्यू, इट इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल. तो नाउ आई कैन यूज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री वाला थियोरम एंड मैं बोल सकती हूँ कि ये जो 60 डिग्री वाला ऑपोजिट साइड है दैट इज पी टी, इट इज गोइंग टू बी रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस. हाइपोटेन्यूस यहाँ पे है पी क्यू. ऐसे क्यों लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज. मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब 30 डिग्रीज वाला अपोजिट साइड भी है क्यू टी, तो तुम क्यू टी के जगह पे भी पी क्यू के टर्म्स में कुछ लिख सकते हो. तो यू कैन राइट दैट क्यू टी इज 1/2 टाइम्स द हाइपोटेन्यूस व्हिच इज पी क्यू हियर. मार्क दिस इज इक्वेशन 4 एंड लिखो रीजन दैट दिस इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज. अब तुमने पी टी और पी क्यू का रिलेशन फाइंड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एस टी एंड पी क्यू. अब अगर मैं एस टी की बात करूं तो ये जो एस टी है क्यू टी के ऊपर लाइ कर रहा है. क्यू टी को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया क्यू एस के साथ, वो जो रिमेनिंग वाला छोटा सा टुकड़ा है एस टी वो मिलेगा. सो आई विल राइट एस टी इज इक्वल टू क्यू टी माइनस क्यू एस बिकॉज क्यू डैश एस डैश टी तीनों लाए करते हैं सेम सेगमेंट पे. अब मुझे एस टी का वैल्यू तो नहीं पता है, राइट एज इट इज क्यू टी के जगह पे मैं लिख सकती हूँ हाफ पी क्यू. आई विल राइट हियर हाफ पी क्यू माइनस क्यू एस जो है उसके जगह पे आई कैन राइट 1/3 क्यू आर, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया था. आई विल राइट इट इज इक्वल टू 1/3 क्यू आर. बट मुझे क्यू आर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए पी क्यू के टर्म्स में कुछ. नाउ मैं क्या क्यू आर के जगह पे पी क्यू लिख सकती हूँ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सब साइड्स होते हैं इक्वल मेजर के, तो तुम क्यू आर के जगह पे पी क्यू लिख सकते हो. सो आई विल राइट क्यू आर के जगह पे पी क्यू. सो आई विल गेट एस टी इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू माइनस 1/3 पी क्यू. क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि दिस इज साइज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. लेट अस सॉल्व इट. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमको एस टी का वैल्यू क्या मिलेगा, वी विल गेट डिनोमिनेटर में तो 2 3 6 मिलेगा, न्यूमरेटर में क्या मिलेगा 1 PQ × 3 दैट इज 3 PQ माइनस 1 PQ × यहाँ का 2 दैट इज 2 PQ. Now 3 PQ minus 2 PQ will be 1 PQ. तो ST is equal to तुमको मिलेगा PQ upon 6 या तो 1/6 PQ. Mark this as equation number 5.
अब तुम्हारे पास है इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 3 जो कि तुमको एसटी और पीक्यू के बीच में रिलेशनशिप बताता है, पीटी एंड पीक्यू के बीच में रिलेशनशिप बताता है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज ये जो इक्वेशन नंबर 2 था उसमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग. हमको मिलेगा PS² इज इक्वल टू पीटी के जगह पे तुम लिखोगे √3/2PQ. तो वी विल राइट √3/2PQ यहां पे ले लेंगे उसका स्क्वायर क्योंकि वो है PT स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर. ST के जगह पे तुम लिख सकते हो 1/6PQ उसका भी स्क्वायर ले लो. सो वी विल गेट PS² इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर के जो भी चीजें हैं सबका स्क्वायर लेना है. सो √3 का स्क्वायर विल बी 3, PQ का स्क्वायर विल बी PQ² अपॉन 2 का स्क्वायर विल बी 4 प्लस 1 का स्क्वायर विल बी 1, PQ का स्क्वायर विल बी PQ² अपॉन 6 का स्क्वायर विल बी 36. 4 और 36 का LCM क्या है? इसका LCM इज 36 क्योंकि 4 into 9 करोगे तो तुमको 36 मिल जाएगा. सो अगर यहां पे मुझे 36 बनाना था, I can multiply here with 9 and here also I'll multiply with 9. So I will get PS² is equal to, denominator same hai, so we will write it once, that is 36. Numerator mein aayega 3PQ² into 9 is 27PQ² plus PQ². Ab 27PQ² plus 1PQ² will be 28PQ². So tumko milega PS² is equal to 28PQ² upon 36. Now 28 and 36 both going same table, that is table 4 ka. So I will write 4 7s are 4 9s are. So mujhe kya mila? PS² is equal to 7PQ² upon 9. 9 division mein equal to ke both side shift kar doge to multiply ho jayega to tumko milega 9PS² is equal to 7PQ². Hence we have proved this. Ye exam mein na 4 marks ke liye aata hai and it is important. I hope you have enjoyed the video. If you have any doubts regarding any of the concepts or problems related to Pythagoras theorem ka chapter, you can always post them in the comment section below. Or else, वहाँ पे एक mail ID mentioned है मेरे description में, वहाँ पे भी तुम तुम्हारे doubts पूछ सकते हो. So this was the end of Pythagoras theorem chapter. I hope you have enjoyed it. Have a nice day. Thank you.